वेलकम टू माय चैनल इंडिया का किचन। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन स्टू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप मेरे बताए हुए मेथड से बनाएंगे तो आपका भी चिकन स्टू बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। चिकन स्टू बनाने के लिए यहाँ पर हमने 500 ग्राम चिकन लिया है। इसको हमने बहुत अच्छे से धुल लिया है और इसका एक्स्ट्रा पानी जो था उसको हमने ड्रेन कर दिया है। हमने 5 मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसको हमने मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। हमने कुछ साबुत मसाले लिए हैं, जिसमें 2 तेज पत्ता लिया है, 8 से 10 काली मिर्च ली है, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट हमने लिया है, 2 से 3 टेबल स्पून धनिया जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। यहाँ पर हमने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको कद्दूकस कर लिया है। हमने 2 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, जिसको हमने स्लाइस में कट कर लिया है। 100 ग्राम दही लिया है, दही को हमने अच्छे से बीट कर लिया है। हमने कुछ पाउडर मसाले लिया है, जिसमें 1 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक। यहाँ पर हमने 2 लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च ली है। 150 ml तेल लिया है, तेल आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। एक प्रेशर कुकर में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हाई फ्लेम पर हमने तेल को गर्म कर लिया है। अब इसमें सभी साबुत मसाले को ऐड कर देंगे और इसको कुछ सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर तेल में रिलीज हो जाए। इसी दरमियान इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। हाई फ्लेम पर हमें प्याज को नहीं फ्राई करना होता है, मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, प्याज हमारी लाइट पिंक हो चुकी है। अब इसमें हम हरी मिर्च और लाल मिर्च को ऐड कर देंगे। लाल मिर्च हमने सूखी ली है और इसको बहुत अच्छे से मिला लेंगे। प्याज के साथ हमें हरी मिर्च को भी बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, ये लाइट पिंक हो चुकी है। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है। अब इसमें हम चिकन को ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम हाई करके हम चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जो चिकन में एक्स्ट्रा पानी होता है वो भुन जाए और चिकन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इसी तरह हमें लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। चिकन हमारा जितना अच्छा फ्राई होगा उतना ही अच्छा स्टू हमारा बनके तैयार होगा। तो ये देखिए चिकन का एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो गया और चिकन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तेल हमारा सरफेस पे आ चुका है। अब गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। इसी दरमियान हम सभी पाउडर मसालों को चिकन में ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम हमें लो करके बहुत अच्छे से मसालों को भून लेना है। साथ ही में हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और स्लाइस किए हुए टमाटर को भी ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। गैस का फ्लेम हमें लो करके ही मसाले को फ्राई करना होता है, नहीं तो मसाला हमारा तली में चिपक जाएगा। तो ये देखिए हमने बहुत अच्छे से चिकन को मसालों के साथ भून लिया है और टमाटर भी हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम हमें हाई करके दही को बहुत अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। गैस का फ्लेम हमें हाई ही रखना है, नहीं तो मसालों के साथ दही फटने का डर होता है, क्योंकि इसमें नमक मसाले सब टमाटर इस सब से दही का फटने का डर होता है। इसीलिए हमें हाई फ्लेम पर दही को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है और हमें लगातार चलाते रहना है। तो ये देखिए दही हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और तेल हमारा सरफेस पे आ चुका है। अब इसमें हम 2-3 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे, लगभग आधा कप, जिससे हमारा चिकन जले नहीं और हमें पानी को बहुत अच्छे से मसालों के साथ चला लेना है। तो ये देखिए हमने मसालों के साथ पानी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें स्टीम लगाकर हमें 8-10 मिनट तक लो आंच पर बहुत अच्छे से चिकन को पका लेना है। तो ये देखिए 8-10 मिनट तक हमने चिकन को बहुत अच्छे से पका लिया है। इसकी सीटी हमने
खुद से निकलने दिया है, इसकी सीटी हमें निकालना नहीं है अपने हाथ से। तो ये देखिए चिकन हमारा कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। इसमें एक्स्ट्रा जो पानी है उसको हम ड्राई कर लेंगे। अगर आपको जैसी ग्रेवी रखनी है उसी तरीके से आप पानी डाल लीजिएगा। अभी हमें लग रहा है कि इसमें पानी ज़्यादा है, तो हम थोड़ी देर के लिए चिकन को बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो 2-3 मिनट तक हमने चिकन को बहुत अच्छे से भून लिया है। ये देखिए तेल हमारा सरफेस पे आ चुका है। आपको जिस तरीके से ग्रेवी रखना है उसी हिसाब से आप पानी ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमारा चिकन कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम कद्दूकस किए हुए अदरक को डाल देंगे और साथ में हरी धनिया को ऐड कर देंगे। अदरक हम बिल्कुल बाद में डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है स्टू में। और थोड़ा सा धनिया हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। तो ये देखिए चिकन स्टू हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए चिकन स्टू हमारा देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। आपने देखा कि हमारा चिकन स्टू कितने आसानी से और कितने कम सामान में बन के तैयार हो गया है। आप इसे नान के साथ, चावलों के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी सर्व कीजिए, ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए ना जाइएगा। थैंक यू।